बच्चों आप सभी से नमस्कार। देखिए आज कक्षा 6 में पाठ 20 एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध, एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध पाठ पढ़ाना है। तो सबसे पहले इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु भी बोलेंगे। तो इसमें देखें आवाज आ रही है? यस सर। बच्चों के पास आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखें अब ये है आज बीच एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध है। महत्वपूर्ण बिंदु में देखें, महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले आपका एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध क्या थे। ईसा से 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व ईसा, इसको नोट करें, ईसा से ईसा 600 वर्ष पूर्व ईसा से 600 वर्ष पूर्व से ही भारत, पूर्व से ही भारत, भारत के फारस, भारत के फारस, भारत के फारस यूनान, फारस यूनान, यूनान तथा रोम से संबंध थे। फारस यूनान तथा रोम से, तथा रोम से संबंधों थे, संबंधों थे। हाँ, तो देखें ईसा से 600 वर्ष पूर्व से ही भारत के फारस यूनान तथा फारस यूनान तथा रोम से संबंधों थे। दूसरा पॉइंट है प्लीनी, प्लीनी रोमन इतिहासकार था, प्लीनी, प्लीनी रोमन, रोमन, प्लीनी रोमन इतिहासकार था, इतिहासकार था। ये दूसरा पॉइंट है आपका। तीसरे पॉइंट में देखें अरब ने भारत से भारतीय अंक पत्थर, अरब ने भारत से भारतीय अंक पत्थर, भारतीय अंकों पद्धति तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया था, तथा दशमलव प्रणाली का प्राप्त किया था, दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त
किया था। हाँ तो बच्चों देखिए महत्वपूर्ण बिंदु पे पहला पॉइंट, ईसा से 600 वर्ष पूर्व से ही भारत के फारस यूनान तथा रोमन से संबंध थे। दूसरा प्लिनी रोमन इतिहासकार था। तीसरा अरब ने भारत से भारतीय अंक पद्धत तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया था। इसको नोट कर ले। चीन में बौद्ध धर्म भारत से ही गया था। चीन में बौद्ध धर्म भारत से ही गया था। चौथा पॉइंट है आपका, चीन में बौद्ध धर्म। सर तीसरे में पहले शब्द क्या लिखा है? बौद्ध धर्म अरब भारत से ही गया था। चीन में बौद्ध धर्म भारत से ही गया था। नोट कर ले बेटा इसको। चीन को रेशम उत्पादन की भूमि कहा गया है? भारतीय अंक पद्धत तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया था। चीन में बौद्ध धर्म भारत से गया था। अब इसमें आपको सबसे पहले लिखना है निम्न की सही जोड़ियां बनाइए। निम्न की सही जोड़ियां प्रश्न नंबर आपका दो होगा। प्रश्न नंबर दो, निम्न की सही जोड़ी बनाइए। निम्न की सही जोड़ी बनाइए। इसमें एक तरफ आपका का नंबर और दूसरी तरफ खा नंबर। का नंबर की तरफ पहला पॉइंट है आपका वर्मा। इसका सही जोड़ा आपका होगा म्यांमार। म्यांमार होगा। वर्मा व्यवहार प्लिनी का सही जोड़ा रोमन इतिहासकार। रोमन इतिहासकार
बोरोबुदूर 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 ये बुद्ध मंदिर है बोरोबुदूर बुद्ध मंदिर बुद्ध मंदिर बुद्ध मंदिर सिंघल दूसरे नंबर में आपका होगा सिंघल का सही जुड़ा होगा श्रीलंका लंका सिंघल श्रीलंका फिर हुआ या नंबर चंपा चंपा का सही जोड़ा होगा अना बर्मा म्यांमार प्लिनी रोमन इतिहासकार बोरोबुदूर बुद्ध मंदिर सिंघल श्रीलंका चंपा आना ये आपका सही जोड़ा हो गया। इसके बाद आपका होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए चौथे नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए देशों के साथ एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध को ये आपका पाठ का नाम है एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध ईसा से 600 वर्ष पूर्व 600 वर्ष पूर्व से ही भारत के फारस यूनान तथा रोम से संबंध थे। प्लिनी रोमन इतिहासकार था। अरब ने भारत से भारतीय अंक पद्धति तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया था। चीन में बौद्ध धर्म भारत से ही गया था। सही जोड़ी हो गई। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखें। गांधार क्षेत्र में नंबर एक में गांधार क्षेत्र में
रिक्त स्थान में पहला पॉइंट, गांधार क्षेत्र में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमाएं बनी बुद्ध। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमाएं बनी प्राचीनतम प्रतिमाएं बनी बनी। नंबर दो में गांधार क्षेत्र में बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमाएं बनी। आ रहा समझ में? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक जी सर। दूसरे नंबर में होगा आपका सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक ने पुत्र सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र 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 पुत्र महेंद्र सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र को लंका महेंद्र को लंका पुत्र महेंद्र को लंका बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र को लंका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। तीसरे नंबर में अंग कोर वाट में अंगोर वाट में दड़ मंदिर है में शिव मंदिर मंदिर हो गया शिव मंदिर हाय अंग और वाट में शिव मंदिर है।
चौथे नंबर में यहूदियों के मंदिर को यहूदियों के मंदिर प्रसिद्ध हैं ओ मंदिर को सिनेगा सिनेगाग यहूदियों के मंदिर को सिनेगा कहा जाता है कहा जाता है यहूदियों के मंदिर को सिनेगा कहा जाता है कहाँ है सर थोड़ा आवाज आ रही है सर कहाँ है पापा चलिए क्वेश्चन आपका आता है रोमन इतिहासकार क्यों चिंतित था ये सभी बच्चों का ये तो नहीं लिखे सभी बच्चों का आवाज आ रही है सर लिख गया सभी बच्चों का सर अच्छा अच्छा ठीक सर दो नहीं लिखे या का और रा का मेरा नहीं लिखा थोड़ा एक बार दिखा दीजिए रोमन इतिहासकार प्लिनी क्यों चिंतित था रोमन इतिहासकार प्लिनी भारतीय वस्तुओं जैसे रेशम कपास आभूषण गरम मसाले आदि के बढ़ते आयात से चिंतित था कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था वास्तव में इसका प्राचीन नाम कंबोडिया ही था वर्तमान में यह द्वीप कंपुचिया या कंबोज के नाम से जाना जाता है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं चीन और पश्चिमी एशिया के बीच का सड़क मार्ग मध्य एशिया से होकर जाता था इसे प्राचीन रेशम मार्ग कहते हैं इस काल में रेशम व्यापार की एक प्रमुख वस्तु थी इस रास्ते से भारत के व्यापारी अरब ईरान देशों से रेशम आदि का व्यापार करते थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था यह भारतीय राज्य की स्थापना किसने की श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने किया था काठियावाड़ के राजकुमार विजय ने यहां भारतीय राज्य की स्थापना की यहां भारतीय राज्य की स्थापना की गांधार प्रदेश कहाँ स्थित था और यह क्यों प्रसिद्ध रहा गांधार प्रदेश यहाँ कहाँ स्थित था और यह क्यों प्रसिद्ध रहा गांधार प्रदेश मध्य एशिया में स्थित था यह बौद्ध धर्म तथा कला के बड़े केंद्र के कारण बहुत प्रसिद्ध था
ये बौद्ध धर्म तथा कला के बड़े केंद्रों के कारण बहुत प्रसिद्ध था। अरबों ने भारत से क्या क्या सीखा, अरबों ने भारत से क्या क्या सीखा, अरबों ने भारत से भारतीय अंक पद्धत तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ईश्वर एक है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा 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 ठीक। तो इस्लाम में बताया गया, इस्लाम धर्म के संस्थापक ने, कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ईश्वर एक है तथा हजरत मोहम्मद पैगंबर है। मुसलमान इन पांच कर्तव्यों का पालन करे, कलमा पढ़े, दिन में पांच बार नमाज पढ़े, अपनी आय का दसवां भाग दान करे, वर्ष में एक महीने रोजा व्रत रखे, मक्का तथा मदीना की तीर्थ यात्रा करे। अंत में ये भी बताया गया कि सभी धर्मों बराबर हैं, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए बच्चों, हमारे सभी धर्मों बराबर हैं, हम इन सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। चाहिए। जात पाति तथा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए, मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। पारसी धर्म की मुख्य विशेषताएं, पारसी धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में देखें। पारसियों का मूल देश क्या है बच्चों? ईरान। पारसी वास्तव में कहां के रहने वाले थे? ईरान। ईरान ईरान देश है इनका मुख्य। पारसियों का मूल देश कहां है? ईरान। ईरान ईरान देश के रहने वाले थे। पारसी आर्य है और इनके धर्म की स्थापना जरथुस्त ने की थी। पारसियों का विश्वास है कि जरथुस्त को ही ईश्वर ने अग्नि प्रदान की थी। ईरान छोड़ने के पूर्व ये अग्नि पूजक थे। इस अग्नि को वह अपने साथ ले आए थे। यह अग्नि आज भी मुंबई के उत्तर में स्थित उदवाद की अग्यारी में जल रही है। हिंदुओं की तरह पारसी कमर में यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ये प्रथा बताती है कि उन्होंने पवित्र मार्ग पर चलने का वचन ले रखा है, पवित्र मार्ग पर चलने का वचन ले रखा है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, इस धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चिन्ह शलीबो अर्थात क्रॉस है। ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम बाइबल बाइबल है। इस धर्म के अनुयायी उन सभी पैगंबरों को मानते हैं जिसे यहूदी धर्म के लोग मानते थे। तो इस तरह से
ये आपका पाठ पूरा हो रहा है और इसमें हमने विकल्प रिक्त स्थान सही लिखा दिया है, महत्वपूर्ण विकल्प बताए हुए हैं, इनको इस पाठ को विकल्प तैयार कर लेना है सभी बच्चों को। चलिए धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सब लोगों से। नमस्ते। नमस्ते सर। अगला विषय आपको प्रणाम सबको। यस सर।